आज की ताज़ा खबर लेकर आया हूँ कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। आज बहुत ही बड़ी खबर है। कुशीनगर में पहली उड़ान श्रीलंका से 125 बुद्ध भिक्षुओं के साथ उतरेगी कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से। पूर्व यूपी और बिहार के पश्चिमी एवं उत्तरी क्षेत्र की करीब 2 करोड़ आबादी और 10 से 15 जिलों का सीधा फायदा। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं कि कल की तरह मौसम आज भी ख़राब है, लेकिन कल से थोड़ा बढ़िया ही, हवा तेज़ है बस केवल। तो फ्रेंड, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में थोड़ा बहुत पानी लगा हुआ था, वो भी ख़त्म हो चुका है, इस समय सूख गया है। तो इस समय भी मौसम बहुत तेज़ी से ही ख़राब है और बादल घिरे हुए हैं। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कोई भी काम नहीं रुका हुआ है, पूरा काम हो चुका था। और जल्द ही कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कल ही उद्घाटन होगा। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 20 अक्टूबर को ही चालू होने वाला है और उसका शिलान्यास भी होगा। तो बहुत ही जल्द आपको ये देखने को मिलेगा, बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान। और जल्द ही श्रीलंका की फ़्लाइट कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाली है। और तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूँ कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सारी तैयारियां हो। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, और मोदी जी 20 अक्टूबर को किन किन जगहों पर जाएंगे। सबसे पहले तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बरवा फार्म, और उसके बाद मेडिकल कॉलेज बन रहा है पडरौना वाले रोड में, वहाँ मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने जाएंगे। चलिए फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं, जिससे कि कभी भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले पहुंचे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक कर दें और कमेंट कर दें, और कमेंट में बताएं कि वीडियो हमारी कैसी लगी। फ्रेंड, आपके एक लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। फ्रेंड, आपके एक लाइक करने से हमें कोई पैसा वैसा नहीं मिलता।